अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी टाइप 2 के फॉर्मेट में है, जो कि हम उसको टाइप 2 के फॉर्मेट से सेव उसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 क्या है? अगर हमारे पास इस तरह हो a इंटू पी ऑफ x पोलिनामियल एन एक्स प्लस p ओवर पोलिनामियल एन एक्स इज इक्वल टू c। अगर इस तरह से हमारे पास हो तो अब उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये इसी का रेसिप्रोकल है। जो फर्स्ट वन है x ओवर x माइनस 3 इसी का रेसिप्रोकल है, यानी x माइनस 3 ऊपर है और x नीचे है, बाकी उसी तरह है। तो हम इसको लिख सकते हैं x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं लेट कर देता हूँ कि लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल, लेट से y। अगर हमने इसको y कर दिया तो यहाँ पर मैं रफ में समझा देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को उलट कर दूँ तो x माइनस 3 ऊपर हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इसी तरह y के नीचे 1 है तो ये 1 ओवर y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको लिखा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, देन इक्वेशन नंबर 1 becomes, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म जो है जहाँ पर मैंने लिखा है x ओवर x माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 4। अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट है यहाँ पर x माइनस 3 ओवर x, इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं कि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय y, जब y से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस, जब इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला y और जो हम मल्टीप्लाई कर आपस में कटिंग हो जाएगी, तो 4 1 0 4, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 रह जाएगा। इज इक्वल टू, इसके साथ जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4y। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आ जाता है तो y माइनस 2, और इन दोनों से 2 कॉमन आ जाता है तो माइनस 2 y माइनस 2 is equal to 0. So this is y minus 2 into y minus 2 is equal to 0. तो अब हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कट जाएगा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। तो इस केस में हमारे पास y की एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 2 देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ आसानी के लिए। x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम लिखते हैं x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू इस केस में 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो अब ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x। x को एक साइड पे लेके आते हैं तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 6 दूसरी साइड पे चला जाएगा प्लस 6, तो 2x से 1x माइनस होगा तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो ये है हमारा आंसर और यही है हमारा सोल्यूशन सेट, यानी x इज इक्वल टू 6 है हमारा सोल्यूशन।